है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। मान लेते हैं एक छोटा सा पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस सेवन है, ठीक है। तो इसमें हम जैसे जैसे एक्स का वैल्यू रखते चले जाएंगे वैसे वैसे पी एक्स का वैल्यू भी निकलते चला जाएगा। जैसे अगर हम एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्स का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो बताओ कितना आएगा, माइनस सेवन आएगा। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे तो बताओ कितना आएगा, माइनस टू आएगा। और अगर हम एक्स का वैल्यू टू रखेंगे तो कितना आएगा, थ्री आएगा। यानी एक्स के हर एक वैल्यू के करेस्पोंडिंग पी एक्स का एक वैल्यू आएगा ही आएगा। लेकिन दिमाग ये लगाओ कि एक्स का वैल्यू हम कितना रखें कि ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो आ जाए। दिमाग यह लगाना है कि एक्स का वैल्यू कितना रखा जाए कि पूरा का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। तो एक्स के जिस वैल्यू के लिए ये जीरो बन जाएगा एक्स के उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्योंकि यहां पे हमारा है पी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस सेवन और इसे कितना बनाना है, जीरो। तो अगर इसको जीरो बना देंगे तो आएगा फाइव एक्स माइनस सेवन, यानी हम लोग सेवन को इधर कर लो, सेवन इक्वल टू फाइव एक्स, देयर फोर सेवन बाय फाइव इक्वल टू एक्स। तो देखो यह एक्स का वैल्यू जो सेवन बाई फाइव आया वो कब आया, जब ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो गया था। तो क्योंकि पॉलिनोमियल जीरो तब हुआ जब एक्स का वैल्यू कितना रखा गया, सेवन बाई फाइव, इसीलिए इस पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस सेवन, इस पॉलिनोमियल के लिए एक्स इक्वल टू सेवन बाई फाइव को बोला जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू अगर यहां पे पुट किया जाएगा तो पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा।